अस्सलाम वालेकुम, टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज के प्लेटफॉर्म के ऊपर वेलकम करते हैं। आज की ये वीडियो उन तमाम कंपनीज के लिए है, तमाम इंडस्ट्रियों, फैक्ट्रियों, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर हाउसेज, डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियों और उन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज, प्रॉपर्टी ऑफिसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑफिसेज, उन तमाम बैंक्स के लिए जहाँ पे मुख्तलिफ कंपनियों को अपने ऑफिस, अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री, अपने ब्रांड के लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं स्टाफ के हवाले से, उन तमाम कंपनियों के एचआर मैनेजर्स के साथ, ओनर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ, या आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी को स्टाफ की ज़रूरत है, आप लोग परेशान हैं, आपको किसी भी किस्म के स्टाफ के हवाले से, जिसमें लेबर है, मैनेजमेंट के लोग हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, टेक्निकल स्टाफ रिक्वायर्ड है, आईटी से रिलेटेड लोग चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड लोग चाहिए, कॉल ऑपरेटर्स के तौर पे लोगों की ज़रूरत है, या आप किसी भी शोभा जात से ताल्लुक़ रखते हैं और आप उस शोबे के मुताबिक लोगों को हायर करना चाहते हैं, आप स्टाफ रखने के लिए परेशान हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पे बैनर लगाते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को पे करते हैं, OLX पे एड चलाते हैं, WhatsApp पे स्टेटस लगाते हैं, या आप Facebook के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको इन तमाम झंझटों से निकल के आने की जरूरत है। एक फोन कॉल और स्टाफ आपकी टेबल पे होगा। टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज पिछले 4 साल में 3200 कंपनियों को स्टाफ रेफर कर चुका है। 53,000 से ज्यादा अफराद हम मुख्तलिफ शोबा जात और मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर रेफर कर चुके हैं। ये तमाम जॉब्स के हवाले से अप्लाई करने वाले तमाम कैंडिडेट्स का डाटा बैंक हमारे पास मौजूद है। अगर आप परेशान हैं तो आपकी परेशानी का वाहद हल है टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज। स्टाफ के लिए हमें फोन कॉल करें, हमें अपनी डिटेल्स बताएं, इंफॉर्मेशन दें और टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज से बासानी बिल्कुल फ्री स्टाफ हासिल करें। अगर आप स्टाफ के हवाले से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी भी किस्म की गाइडलाइन लेना चाहते हैं, तब भी आप टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज से फोन पे बात कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुल्क पाकिस्तान का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।